खाए। दो दिन पहले मैंने भाभी जी को मार्केट में देखा, किसी आदमी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आपको तकलीफ के लिए दोबारा क्षमा चाहेंगे, पर विषय ऐसा था कि दोबारा पत्रकार वार्ता बुलानी पड़ी। आफ्टर इन्फ्लिक्टिंग 1,000 wounds, मोदी गवर्नमेंट अप्लाइज बैंडेड ऑफ ए मार्जिनल कट इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। इसे कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। महंगाई आज हाथी के समान और कटौती चींटी के समान, इसीलिए देश कहता है कि मोदी सरकार बेईमान। फेसिंग पब्लिक एज ऑल्सो द इमिनेंट डिफीट इन द 5 इलेक्शन गोइंग स्टेट्स, मोदी गवर्नमेंट हैज अटेम्प्टेड टू अप्लाई बैंडेड आफ्टर इन्फ्लिक्टिंग 1,000 wounds बाय मैसिव प्रॉफिटियरिंग थ्रू सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम्स इन द प्राइसेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल एंड अदर पेट्रो प्रोडक्ट्स। मोदी जी, यू कैन नो लॉन्गर बीफूल द पीपल ऑफ इंडिया एंड यू विल हैव टू आंसर ऑन फैक्ट्स द रेलेवेंट क्वेश्चन एज टू व्हाई इन्फ्लेशन इज बर्निंग ए डीप होल इन द पॉकेट्स ऑफ द कॉमन मैन। पांच राज्यों में चुनावी हार को सामने देख और जनता के भयंकर गुस्से से घबरा कर आज मोदी सरकार ने चींटी जैसी मात्रा में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सेंट्रल एक्साइज कम करने की घोषणा की। यह इसी प्रकार से है कि जैसे किसी को सजाए मौत सुना दीजिए और फिर कहिए कि तुम खुश हो जाओ क्योंकि अब तुम्हारी सजाए मौत उम्र कैद में हमने कम कर दी है। मोदी जी, आप जनता का बेवकूफ अब नहीं बना सकते और महत्वपूर्ण सवालों का जवाब पेट्रोल डीजल की लूट पर आपको देना पड़ेगा। पहली बात, आंसर टू द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द 13 lakh crore फ्यूल लूट। जवाब दीजिए देश को कि आपने सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स से 52 महीने में देश की जनता की जेब काटकर 13 lakh crore क्यों लूटा। आज वित्त मंत्री जेटली जी ने कहा कि सरकार की आय इसलिए बढ़ गई क्योंकि उनका टैक्स बेस बढ़ गया। जेटली जी का नाम जेटलाए इसीलिए शायद देश के लोगों ने रख दिया है क्योंकि वो आए दिन झूठ बोलते हैं। हम आपको एक चार्ट रिलीज कर रहे हैं जो पेट्रोल कंपनीज की बैलेंस शीट से और गवर्नमेंट की बैलेंस शीट से लिया गया है और यह दिखाता है कि 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 और 18, 19 के 6 महीने में जो भारत सरकार ने पैसा एकत्रित किया है वो बनता है 12,76,000 crore रुपए या लगभग 13 lakh crore। पर जेटली जी कहते हैं कि टैक्स बेस बढ़ गया, तो वित्त मंत्री की सबसे बड़ी झूठ उनके अपने दस्तावेज से आज हम सामने लेकर आ रहे हैं देश के। दूसरी बात, आंसर टू द पीपल फॉर हाइकिंग द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन 12 डिफरेंट ओकेजन्स सिंस मई 2014। सिंस मई 2014 मोदी गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोल बाय 211% एंड ऑन डीजल बाय 443%। कस्टम्स ड्यूटी हैज ऑल्सो बीन इंक्रीज मेनी फोल्ड एंड वी आर रिलीजिंग दिस चार्ट विच शोज ऑन विच डेट
Modi government increased the excise duty and customs duty, which again will expose the lies of the perpetually lying finance minister. Does the PM and FM remember that in May 2014, central duty on excise was a mere 9 rupees 23 paisa a liter when Congress demitted power? It is today 19 rupees and 48 paisa a liter, up from 9 rupees and 23 paisa a liter. Does the PM and FM even remember that when Congress demitted power in May 2014, the central excise duty on diesel was a mere 3 rupees 46 paisa a liter? It has been increased by Modi government to 15 rupees 33 paisa a liter, an increase of almost 12 rupees in 52 months. Giving a paltry relief of 1 rupee 50 paisa a liter in reduction of excise duty is insignificant. It is like a needle in the haystack. क्या प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री बताएंगे कि उन्होंने केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में 52 महीने में 12 बार इजाफा क्यों किया? मई 2014 के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 211% बढ़ा दी और डीजल पर 443%। मई 2014 में जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी तो पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मात्र 9 रुपया 23 पैसे थी, जो अब बढ़ाकर 19 रुपया 48 पैसे कर दी, लगभग 10 रुपये लीटर की बढ़ोतरी। 2014 में जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी तो डीजल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी मात्र 3 रुपया 46 पैसे लीटर थी, जो मोदी सरकार ने 52 महीने में बढ़ाकर 15 रुपया 33 पैसे प्रति लीटर कर दी, यानी 12 रुपया लीटर का इजाफा। अब आप 1.5 रुपया लीटर कम करके एक्साइज ड्यूटी 12 बार बढ़ाने के बाद झूठी वाहवाही लूट रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तीसरी बात, आज वित्त मंत्री ने दुहाई दे डाली कि पेट्रोल डीजल के प्राइस आसमान को इसलिए छू रहे हैं और जनता की जेब लूट रहे हैं क्योंकि कच्चे तेल की कीमत $86 प्रति बैरल हो गई है। यह सही है, आज $86 प्रति बैरल है, परंतु वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, आज हम चुनौती देते हैं देश को, यह भी बताइए कि 52 महीने में औसत कच्चे तेल की कीमत बीजेपी सरकार में क्या रही? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की औसत कीमत मोदी सरकार के दौरान आती है मात्र $58 प्रति बैरल, $40 तक भी गई और आज 86 पर है, औसत आती है $58 प्रति बैरल। इसके यानी यूपीए सरकार से लगभग 45% कम। मोदी जी क्या आप भूल गए, जेटली जी क्या आप भूल गए कि कच्चे तेल की कीमत औसतन कांग्रेस सरकार में $100 प्रति बैरल से अधिक रही? 2008 में जब कांग्रेस की सरकार थी और जब आप गैस सिलेंडर और पेट्रोल पंप पर प्रोटेस्ट करते थे तो कच्चे तेल की कीमत $147 प्रति बैरल तक गई, आज तो $86 पहली बार पहुंची है और आप आज ही दुहाई दे रहे हैं। और जब $107 कच्चे तेल की कीमत थी तो पेट्रोल की कीमत 71 रुपया 41 पैसे लीटर थी और डीजल की कीमत 55 रुपया 49 पैसे लीटर थी, जो आज 84 रुपया और 75 रुपया को पार कर गई है। इसका जवाब कब देंगे? चौथा सवाल, प्लीज आंसर एज टू व्हाई मोदी गवर्नमेंट सेल्स चीप पेट्रोल टू 29 फॉरेन कंट्रीज एज इट ड्यूप्स ऑल इंडियंस। Is it not correct that petrol and diesel
in India, in Delhi is 84, it has surpassed 90 rupees a liter in Bombay. In diesel in Delhi is 75 rupees a liter, it has surpassed 80 rupees a liter in Bombay. But an RTI reply by the Modi government states that it sells petrol to 15 foreign countries at only 34 rupiah a liter. So you sell Indians at 84 rupiah a liter petrol, but you sell to foreign countries at 34 rupiahs a liter. Why? Same way it sells diesel to 29 foreign countries at a pittance of mere 37 rupees a liter. India's farmer will get diesel at 75 rupee a liter, but Modi ji will finance 29 foreign countries by selling cheap diesel at 37 rupees a liter. Why dupe Indians? Modi ji, ye jawab dena padega ki jahan aap Bharat ke logon ke upar anap shanap petrol aur diesel ki keematon ka bojh dal rahe hain, आप 29 देशों को सस्ता पेट्रोल और डीजल क्यों बेच रहे हैं? आरटीआई के एक जवाब में मोदी सरकार ने बताया कि वो 15 विदेशी देशों को मात्र 34 रुपया लीटर में पेट्रोल बेच रही है, जो भारतवासियों को दिल्ली में जिसकी कीमत 84 रुपया लीटर अदा करना पड़ती है, यानी 50 रुपया लीटर कम लगभग। ऐसा क्यों? मोदी जी ने एक आरटीआई रिप्लाई में बताया कि 29 विदेशी मुल्कों को मोदी सरकार मात्र 37 रुपया लीटर में डीजल बेच रही है, पर जब किसान दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर डीजल की कीमतें कम करने के लिए आएगा तो उसको लाठियां मिलेंगी, क्योंकि यहां डीजल की कीमत 75 रुपया लीटर है। आई एम फिनिशिंग, देन यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। पांचवा, आपने ये कहा कि प्रांतीय सरकारें टैक्स कम कर दें, पर यह बताना भूल गए कि सबसे ज्यादा लूट, लोगों से खसूट और लोगों की जेब पर डाका डालने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल पर वैट छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम और हरियाणा में है। और यहां सब किसका शासन है? भाजपा का। पेट्रोल पर तो जो आज थोड़ा सा कम किया है, महाराष्ट्र में लगभग 39% वैट है और औसत वैट कहीं भी 28-35% से कम कहीं नहीं, और यही डीजल का हाल है। तो वो लाखों करोड़ रुपया दिल्ली में मोदी सरकार लूटती है, प्रांतों में भाजपा की प्रांतीय सरकारें लूटती हैं, और आप कहते हैं कि रेट कम करेंगे, वो कैसे? और ये भी बता दें लगे हाथ कि देश की गृहिणियां जिनको रसोई गैस की मार जिनके बजट को आए दिन खा रही है, उसका हल क्या होगा? 14 किलो का एक नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर जब हमने सरकार छोड़ी तो मई 2014 में 414 रुपया का था, और मोदी जी ने परसों ही 59 रुपया बढ़ाकर अब इसे 831 रुपये का कर दिया है। यानी 52 महीने में 414 रुपया का सिलेंडर 831 का किया है, 400 रुपये का इजाफा, 400 रुपया 52 महीने में बढ़ा दिया, 97% कीमतों में इजाफा। नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी तो मात्र 412 रुपए का था, आज वो 502 रुपए का है, यानी 90 रुपए का इजाफा। क्या यही अच्छे दिन हैं? प्रश्न बड़ा सीधा है। और यह भी बता दें, मिट्टी का तेल जो इस देश के करोड़ों गरीबों का आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और अन्य प्रांतों में ईंधन है, उसका क्या किया? जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी तो जो मिट्टी का तेल 14.96 रुपये या लगभग 15 रुपया था, आज उसकी कीमत भी 27.25 रुपये है, 26.61 रुपया।
ये भी बता दें कि वो ईंधन जिसमें हमारे पत्रकार साथी भी जो मोटरसाइकिल स्कूटर और कार में डलवा कर आते हैं, जिससे आम आदमी इधर से उधर का सफ़र तय करता है बसों में, CNG, उसकी कीमतें बेइंतहाशा आपने क्यों बढ़ा दी? 35 रुपया किलो पर CNG थी, आज 40 रुपया से अधिक है 52 महीने के बाद। और अभी हाल में जो नेचुरल गैस में इजाफा हुआ है, उसका लगभग 1 से 1.5 रुपया इंपैक्ट अगले एक हफ्ते में और आने वाला है। और रुपया मोदी जी की उम्र को कब का पार कर चुका। कल 73 रुपया 25 पैसे था, आज 73 रुपया 70 पैसे है। लगता है कि शाम तक 74 पार कर जाएगा। अब होड़ ये लगी है मार्गदर्शक मंडल को, पेट्रोल तो क्रॉस कर गया, डीजल क्रॉस करने वाला है, तो मार्गदर्शक मंडल की उम्र को रुपया कब पार करेगा? तो इसलिए 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, डर कर 1 या 1.5 रुपया की और 1 रुपया पेट्रोल कंपनियों से राहत मत दिलवाइए। 2014 की कीमतें वापस लेकर आइए और GST में पेट्रोल और डीजल को शामिल करवाइए। ये बड़ी हमारी सीधी मांग है। नाउ एनी क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क, सिंस ही वाज आस्किंग सो माय फ्रेंड, आई थिंक यू डिड नोट, बट लेट मी रीट्रेट। आफ्टर द भारत बंद और एंड ऑल्सो इन द रन अप टू द भारत बंद, द कोएलिशन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका गेव ए सुओ मोटो रिलीफ बाय रिड्यूसिंग वैट देयर। द TMC गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल सुओ मोटो रिड्यूस्ड द वैट इन देयर स्टेट। वन मोर फॉर्मर अलाय ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, दैट इज द TDP, सुओ मोटो रिड्यूस्ड प्राइसेस and all other state governments of the Congress party or their allies are currently considering it. We do not need advice from an anti-people Modi government which first inflicts 1,000 wounds for 53 months of its 60 months and then tries to throw paltry relief of 1 rupee 50 paisa and 1 rupee of the company profit margins by after profiteering and making 13 lakh crore. I think these are questions that need to be seriously asked of BJP union government as also their state governments. Bharatiya Janata Party ki loots, fuel loot sarkar ye jaan le ke Bharat Band ka ahwan jab Congress samet anya rajnitik dalon ne kiya tha, तो उसी समय कर्नाटक की कांग्रेस और जनता दल की सांझी सरकार ने जनता को राहत देने के लिए कर्नाटक में वैट कम कर दिया था। ये बात बहुत पुरानी नहीं है, इसी माह की है जो पिछला माह गया। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में वहाँ की मुख्यमंत्री और वहाँ की TMC की सरकार ने सुओ मोटो वैट में जनता को राहत दी। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में भाजपा विरोधी TDP ने भी सुओ मोटो राहत दी। कांग्रेस की बाकी सरकारें भी जनता को राहत देने पर अपने तौर से जरूरी कदम उठाएंगी। परंतु जैसा मैंने आपको बताया, 21 प्रांतों में जो कहते हैं कि हमारी सरकारें हैं और देश में जिनकी सरकार है वो 40-40% वैट, 35-35% वैट पेट्रोल और डीजल पर क्यों लगा रहे हैं? और कई ऐसे प्रांत हैं भाजपा के जिन्होंने पिछले 52 महीने में पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाया है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में 9.25% पर डीजल पर हम वैट छोड़कर गए, भाजपा सरकार ने उसे आते ही 17% कर दिया, पेट्रोल पर वैट बढ़ाकर 21% कर दिया, 26% कर दिया। और लगभग 30,000-40,000 करोड़ रुपए के बीच में जनता की जेब काटकर अतिरिक्त बटोर लिए। तो
तो 13 लाख करोड़ मोदी जी ने लूट लिए और लगभग इतना ही पैसा भाजपा की सरकारों ने वैट लगाकर लूट लिया। और मोदी जी और जेटली जी कहते हैं हमारा टैक्स बेस बढ़ गया है। 26 लाख करोड़ की लूट से टैक्स बेस तो बढ़ेगा ही, तो इसका जवाब भी दे दें लगे हाथों। इट्स ए पैनिक रिएक्शन अगेंस्ट पीपल्स एंगर बाय ए मोदी गवर्नमेंट फेसिंग इमिनेंट डिफीट इन द 5 इलेक्शन गोइंग स्टेट्स। If they wanted to provide meaningful relief, then Modi ji should have withdrawn the central excise hike on petrol of 211%, which he has imposed post 2014, and of 443%, which he has imposed post 2014, bringing the prices back to the 2014 level for when we demitted power, the crude oil was $107 per barrel. It is only $86 now, even as if we see today's figures. And the average during their tenure has been $58 per barrel. And why don't you bring petrol and diesel as bring it into the GST fold? These are simple two questions to the Prime Minister. Thank you. Well, for a party that constructs an office of 1100 crores in Delhi alone, a party that receives a few thousand crores in donation through whatever means that it is for them to explain, a party that is currently constructing offices across India between them and the RSS worth over 3000 crores is obviously not affected by inflation. It shows. A party whose president's son converts 50,000 into 80 crore just before demonetization is not affected by inflation. A party whose cabinet minister sells a 10 rupee share for 10,000 rupees is obviously not affected by inflation. But he was perhaps not speaking about the ordinary mortals of this country, the 125 or 132 crore people, but for a select band of BJP bhakts. Last question. अगर बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है और जिसे हम मित्र देश मानते हैं, उनके प्रधानमंत्री के सलाहकार एक औपचारिक बयान वहाँ के प्रधानमंत्री की तरफ से दे रहे हैं, और अगर ये बयान सही है तो भाजपा का दोगलापन और प्रधानमंत्री जी का छल और कपट साबित हो गया। अब ये बात सच्चाई है या नहीं, इसका जवाब केवल मोदी जी को देना पड़ेगा, या वो फिर राफेल की तरह, जैसे वहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलंडे की बात का आज तक जवाब नहीं दिया, क्या वो बांग्लादेश प्रधानमंत्री को भी उन्होंने जो छल और कपट की बात, यानी जिस प्रकार की दोहरी नीति वो अपना रहे हैं, एक स्टैंड असम में है और एक स्टैंड बांग्लादेश के साथ है, उसका जवाब तो प्रधानमंत्री स्वयं दें तो अच्छा होगा। हरियाणा में अब खट्टर सरकार का शासन नहीं, अपराधियों का शासन है। वहाँ कानून का शासन नहीं, संगठित अपराध का शासन है। और शायद देश की सबसे निकम्मी, नाकारा, निखट्टू और नाकामयाब सरकार खट्टर सरकार साबित हुई है। धन्यवाद।